हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। राधे राधे सबको, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो इस टाइम मैं अभी घर में अकेली हूँ पूरी तरीके से, तो सोचा क्यों ना यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। नन्नू गई है ट्यूशन के लिए, आज वो काफ़ी दिन के बाद ट्यूशन गई है क्योंकि उसकी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और पता नहीं क्या हो गया उसको, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगी है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका चेकअप करा दूँ। थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, अपना तो चलो हम लापरवाही कर जाते हैं बट बच्चे को जब कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इत्तेफाक से उसके जो पैर हैं उसमें भी चोट लगी, जो घुटने होते हैं मतलब उसके नी में बहुत बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। 2-3 बार लग गई हैं, एक के ऊपर एक चोट लगी है। तो इस वजह से उसकी जो स्केट्स क्लास है वो पूरे 10-15 दिन हो गए हैं तब से वो स्केट्स क्लास भी नहीं गई। तो उसका मूड और ज़्यादा अपसेट रहता है क्योंकि उसको स्केटिंग करना बहुत पसंद है और वो क्लास नहीं जा पा रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में मन उलझा हुआ है, पर क्या कर सकते हैं। जब कहते हैं ना, जब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो चारों तरफ से चीज़ें अच्छी होती हैं और जब कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर चारों तरफ से ख़राब सी होने लगती है। ऐसा किसने एक्सपीरियंस किया है, कभी किया है तो मेरे साथ शेयर करना। तो जब मैंने लास्ट वाला ब्लॉग डाला था ना, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही है, वो ना मैंने यूं ही नहीं बोल दिया था उस पर। उसमें लोगों ने इतना कमेंट, मतलब अच्छे कमेंट भी मेरे पास बहुत सारे हैं। कुछ लोगों ने मतलब इतना पॉइंट आउट किया, आप कुछ बताती नहीं खुल के, ये नहीं वो नहीं, आपको कुछ बताना नहीं होता है फलाना, मतलब इस तरीके की बताने। तो बताने वाली बात भाई ये है कि हाँ, वो मैंने ऐवी नहीं बोल दिया था, मतलब कुछ भी मुँह उठा करके, वो एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है। उथल पुथल मीन्स आप समझ सकते हो, हर एक चीज़ बोल करके बताने वाली नहीं होती। कभी कभी चीज़ शेयर करने का मन करता है बट आप कोई मजबूरी समझ लें या फिर कुछ भी समझ लें, आप नहीं कोई बात बहुत अरसे से बताना चाहते हो किसी को, आप नहीं खुल के बता पाते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ था कि मतलब मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर तो करना चाहती हूँ बट कभी लगता है करूँ शेयर, कभी नहीं करूँ शेयर। बट उस दिन थोड़ा सा मन परेशान था तो मेरे मुँह से इतना निकल गया, हाँ लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है और है, ऐसा ही है भी, ये कोई झूठ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, समझने वाले लोग ज़्यादा मेरी बातों को समझते हैं। अरे कुछ जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि क्या करूँ। कभी लगता है बोलने की इच्छा हो रही है, कभी लगता है बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। अब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ। कभी लगता है एकदम चुपचाप बैठूँ, शांति से बैठूँ, कुछ भी ना करूँ, और एकदम से लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँ, मतलब कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हो रही है। बट हाँ, वो जो बात थी उथल पुथल मची वाली बात, वो रियल है। और वो क्या है डिसीज़न, क्या नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊँगी। हर एक चीज़ ऐसी नहीं होती है कि झट से शेयर कर देना, कुछ चीज़ें हमें फाइनलाइज़ करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें करनी होती है। ऐसा भी नहीं कि मैं आपसे बोल दूँ और वो चीज़ हो ना तो फिर आप और मेरे ऊपर यू नो चढ़ाई सी करो कि अच्छा तुमने तो ऐसे बोला था ऐसे। तो मैं सोचती हूँ कन्फर्मेशन हो जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच जाती हूँ माइंड में। तो कभी कभी ना हर एक शब्द को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा रियल लाइफ में मतलब ब्लॉगिंग रियल लाइफ ही तो है। क्या है मतलब, अगर मैं ब्लॉगर हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी रियल लाइफ नहीं है? मैं एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, अपनी यूट्यूब की वर्चुअल फैमिली से कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसा फील हो जाता है। फिर तभी सोचती हूँ छोड़ो यार, कुछ बताना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है। फिर सोचती हूँ कि नहीं, जो अच्छे लोग हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, समझते हैं, उन्हें क्यों ना बताऊँ। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजिंग थाट्स। आई होप कि मैं अपनी बातों से आपको यू नो अपनी स्थिति समझा पा रही हूँ। मैं बस अभी इतना ही कहूँगी फिलहाल। मुझे ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। मैंने कुछ बहुत अच्छी सी चीज़ मंगवाई है तो सोचा वो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एंड आई एम 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से वो आपको दिखाती हूँ। आपको तो पता है मैं एक सुई भी लेती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी ये आदत है और आप लोगों को भी पसंद है इसी वजह से, और वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल है सच में। सो फ्रेंड्स, मैंने ये रिसेंटली मंगवाई है अगारो की मल्टी कुक कैटल विद स्टीमर। इसके साथ है ये एक एग ट्रे। जो भी लोग एग खाते हैं वो बहुत इजीली एग को बॉयल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें दिया गया है एक ये स्टैंड। कुछ चीज़ हमको अगर बनानी है, स्टीम करनी है, तो उसको रखने के लिए भी तो भैया कुछ चाहिए होगा ना, तो कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब कुछ सारे अटैचमेंट इसी के साथ दिए हुए हैं,
तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसका सारे अटैचमेंट के साथ। ये स्टीमर फ्रेंड्स इस तरह से केटल के ऊपर ही फिक्स हो जाता है, तो आप मल्टी कुकिंग भी कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग कुक करना है तो इसका जो लिड है वो केटल और स्टीमर दोनों के ऊपर ही फिक्स हो जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसकी जो हीट है वो भी यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है, आप इसमें कुछ भी स्टीम कर सकते हैं, लाइक मोमोज वगैरह अगर आपको बनाने हैं तो वो आप इजिली इसमें बना सकते हैं। इसमें केक भी बेक हो सकता है, ढोकला बना सकते हैं इसमें आप, और इसमें आप पानी बॉयल कर सकते हैं, दूध बॉयल कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, किसी भी तरीके की वेजिटेबल आप बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, मटर पनीर, छोले, राजमा, मतलब कुछ भी आप इसमें आप बना सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स इसके पॉट के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम की मार्किंग भी दी हुई है, और साथ ही साथ इसका जो पॉट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट के साथ ही केटल आपको मिलती है, जिसमें आपकी कुकिंग बहुत ही हेल्दी और आसान हो जाती है। इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है, केटल इतनी ज़्यादा वाइड है कि आपको कुक करने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती। और फ्रेंड्स इसका जो पावर बेस है वो 360 डिग्री है, जो कि ऑब्वियसली पूरी तरीके से डिटैचबल है। फ्रेंड्स कभी कभी हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम पर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी जो कुकिंग है वो रुकेगी नहीं, बहुत ही हेल्प करेगा उस टाइम। और साथ ही साथ अगर आप बैचलर हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो उसके लिए तो ये एकदम बेस्ट है, को इसको ज़रूर लेना चाहिए। बहुत सारे बर्तन नहीं होंगे, ज़्यादा झंझट नहीं आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कहीं आप ट्रिप पर जा रहे हो, आप वहाँ पर भी इसको कैरी करके ले जा सकते हो, उसमें मैगी वगैरह आसानी से बन जाती है। 2 से 3 क्या इनफैक्ट 4 लोगों के लिए सब्जी खाना आराम से इसमें बन सकता है। इवन इसमें आप राइस भी बना सकते हो, चावल भी बना सकते हो। बहुत ही यूज़फुल सा प्रोडक्ट है फ्रेंड, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये है, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कुछ भी झटपट से बना लो फटाफट से, और ज़रूरी नहीं है आपका किचन में बैठ के कुछ बनाने का मन नहीं, आप थोड़ा सा अपना कुछ जो भी आपको बनाना है ले आए एक ट्रे में, और आराम से हॉल में बैठ के जहाँ भी आप प्लग पॉइंट है इसका, आपको बस क्या करना है प्लग अटैच करना है, और आप कहीं पर भी बैठ करके कुकिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको किचन में करना है। और ऐसा भी नहीं इसको बनाते टाइम आपको फ़ैन ऑफ करने की ज़रूरत है, कुछ ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हवा लगने का तो कोई झंझट ही नहीं है। तो आप आराम से इजिली अपनी कुकिंग कर सकते हो, आपको गर्मी में कुकिंग करने की किचन में घंटों खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स इसको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा इजी है, नॉर्मल जैसे हम अपने बर्तनों को वॉश करते हैं उसी तरीके से करना है, कुछ अलग तरीके से नहीं करना है। बस थोड़ा सा ध्यान रहे इसका जो पानी है वो नीचे की साइड बहुत ज़्यादा ना जाए, अगर चला गया तो उसको सुखा करके ही डिटैचबल पोर्ट करें ताकि कुछ दिक्कत ना आए। बाकी फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट, है ना मज़ेदार? शायद ही कोई हो जिसे पसंद ना आया हो, तो फटाफट जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, इसका बाय लिंक मैंने दे दिया है अगर आपको बाय करना हो तो। सो फ्रेंड्स डिनर विनर करके फुर्सत हुई तो मैंने इनको कॉल लगाया, तो ये थे मेट्रोम में, तो मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो कह रहे सरोजनी नगर। मैंने कहा कुछ लेके आए हो क्या सरोजनी नगर से मेरे लिए? तो इन्होंने कहा मैं क्या लेकर के आता वहाँ, मैं काम से गया था कि शॉपिंग करने गया था? तो भैया मैं चुप हो गई। फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, सारा कुछ कर बुरा के फुर्सत हुई, थोड़ा सा लेट हो गए थे आज ये आने में, और आते ही मेरे ऊपर ये बैग डाल दिया। ऐसे काम करते हैं, तो ये ऐसे छोटे मोटे से सरप्राइज़ अक्सर हमें देते रहते हैं, और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं हर बार मतलब फंस भी जाती हूँ बातों में, और इस तरीके से बोलते हैं ना कि मतलब इंसान को यकीन हो जाए कि हाँ वो काम नहीं किया होगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ढेर सारी शॉपिंग करके लाए थे, मेरे लिए भी कुछ लेकर के आए थे और नन्नू के लिए तो ढेर सारा कुछ लेकर के आए हैं। तो मैंने कहा ओ माई गॉड, अच्छा लगता है ना, खुशी होती है अंदर से जब आपके हस्बैंड आपको ऐसे सरप्राइज़ देते हैं। तो नन्नू ना हल्की सी सोने सी लगी थी, तो उठ करके एकदम से आगे देखने के लिए कि पापा क्या लेकर के आए हैं, तो उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, और जैसे कि मैंने बताया चोट वगैरह भी लगी हुई है, तो थोड़ा सा ना जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ, और वैसे भी एग्ज़ाम वगैरह हैं वो भी इसके चल रहे हैं, तो फिर डर लगता है ना बच्चा कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो फटाफट वाली आपको अभी शॉपिंग दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत मैंने डिटेल में नहीं दिखाया है, क्योंकि पूरे दिन से बस काम काम काम, थकावट बहुत हो जाती है, तो बस सोने ही जा रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे मेरे पास है ना इस तरीके के पैंट्स, वैसे लिया मेरे और नन्नू। नन्नू कह रही मम्मा मैं आपके जैसे सेम सेम हो गए। मैंने कहा नन्नू को वैसे भी मेरे जैसे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, अभी मम्मा जैसे मम्मा जैसे। और ये कह रहे हैं कि ये मैंने बस एक शॉप से बस गया मार्केट में, एक शॉप पे सारा कुछ लिया और चला आया, मतलब इनको काम भी था क्योंकि शॉपिंग करने तो ये गए नहीं थे ऑब्वियसली, तो बस अपना काम किया, बाकी एक शॉप पे गए फटाक से इतना सारा लेकर के आ गए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर नन्नू बेचारी मेरा वाला बैग लेकर के जा रही थी काफ़ी दिनों से स्कूल में, क्योंकि उसका बैग टूट गया। तो मैंने नन्नू और नन्नू पापा को बहुत डांट लगाई है, दो तीन बार लगाई है कि अपने मन से गए ट्रॉली वाला बैग लिया। मैंने कहा ज़्यादा दिन चलेगा नहीं और ना ही बच्चा एकदम परेशान हो जाएगा, थोड़े दिन तो क्रेज़ रहता है, बट सुना ही नहीं, गए अकेले दोनों बाप बेटी और ले आ जा करके। बट फाइनली मैंने जो उसके लिए डिसाइड किया था, ये उससे सस्ता भी है, वो 1600 रुपये का था और ये 999 का है सिर्फ। तो फाइनली उसको एक अच्छा बैग मिल चुका है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और साइज़ भी सही, यही मैंने मतलब सोच के रखा हुआ था। मैंने दिखाया भी था ये वाला लेना नन्नू, बट दोनों गए अकेले और कांड करके आ गए। बट चलो अब ठीक है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आदमी ने हमेशा यही किया है, अभी मैं आपको रिवील करूंगी कि इसने किया क्या। हल्का सा मेरा कपड़ा फटता है, इनको पता नहीं क्या। हाय राम, मैं उसे सिलने का सोच रही थी भाई। तो सिल तो लेना, अब सिल लेना, अब ज्यादा ये भी फटी है, ज्यादा फटा होना चाहिए। तो मैं तो फट गई, खत्म करो कहानी। तो मैं सिल लेती हूँ ना उसको, ऐसे तुम मेरे 10 कपड़े फाड़ चुके हो यार। सिल लेती है फिर फट जाती है। तो तुम मेरे 10 कपड़े, मेरा ये अच्छा लगता था मुझे पहनने में, फटा हुआ। अरे यार फटा होने सिल के पहनती मैं। डांट नहीं रही मैं अपने, ये भगवान मेरा अच्छा खासा, इन्होंने प्लाजो का सत्यानाश मार दिया। अभी रुको इसका कुछ बना देता हूँ, देखो मेरे लिए काम आ जाएगी तुम्हारी कसम। क्या करे हो, सर पे बांध के घूमे हो? अरे फैसला नहीं, तुम बाहर आ गए हो क्या? आप ये एक टंग, ये ऊपर वाला कुछ ये और ये इसमें, ये इसका क्या हो? एक टंग तुम पहनो, डालो ले बस, और इसे पकड़ के ऐसे चलो। देख रही नन्नू, मतलब हद होती है नौटंकी की भी। इसका हो गया कल्याण, अब तुम हटो, उधर मुंह करो, तब मैं कपड़े निकालूंगी अपने। नहाने जा रही थी तुमने, छोड़ो अब, ये सही है, ये सही है, नहीं ये नहीं फटा, ये नहीं फटा है, अरे नहीं फटा है, अरे नहीं फटा है भाई, देखो सही है, इतना नहीं। फिर तुम मेरी केयर करते हो जितना दिखा रहे हो, हटो उधर, नौटंकी, पता नहीं दिक्कत क्या है, 10 कपड़े फाड़ चुके हो मेरे। अरे मैं सिल लेती यार, तुमने सच में सत्यानाश मार दिया। उस लोअर को देख के हंसी आ रही, वो गुस्सा बहुत आ था मुझे। तो मैं देखती हूँ कैसे यूज करूंगी इसको, क्योंकि कपड़ा तो सही है ना, दुपट्टा बना देना इसका। अच्छा शांत रहो तुम। सो फ्रेंड्स आफ्टरनून का टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा आफ्टरनून भी नहीं है, मतलब शाम ही होने को आ रही ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो है नन्नू का डॉटर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा बगल में ऐसे ही मॉल में, और यहाँ पर ना कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो मेरे पति देव का भी बहुत मन कर गया, इनकी क्रिकेट जान है ऐसे समझ लो, अब तो नहीं उतना खेल पाते हैं बट हाँ बहुत खेलते थे। और जाते ही मुझे देखिए क्या दिखा, गैस करिए, पहचान गए ना आप लोग, मैं बताऊँ क्या, मैं बताऊँ उससे पहले पॉज करके गैस करो। चलो मैं बताती हूँ, ये नन्नू की बर्थडे की ड्रेस है जो मैंने इसी ब्रांड से ली थी। नन्नू एकदम चिल्लाई, मम्मा मेरी ड्रेस को शूट करो। मैंने कहा अच्छा चलो कर। इतनी जल्दी भागी है, दिख भी नहीं रही है, भाग काम ही एकदम घुस रही है, पता नहीं कहाँ पर, उसे पीछे भी नहीं देखा, भागी चली गई वो, उसे अब कोई मतलब नहीं, उसका काम हो गया। हमने कह दिया 1 घंटे बाद आ जाना, एक बार दिख जाती ना, वो नहीं ना सामने, वो तो निकल के आ रही, वो आई, वो आई, हाँ। दिख भी नहीं रही है, ये तो शांत है। कैसे चलेगा, चलेगा नहीं क्या, कितना क्यूट लग रहा है, ये छुपा हुआ है। ये कैसे चेंज हो गई, ऐसे क्रिकेट खेले? तो यहाँ पर एक फनी सा इंसिडेंट हो गया, जब ये क्रिकेट खेल रहे थे तो एकदम से आए, तो मैंने कहा क्या हो गया, चोट पोट लग गई क्या, ऐसे क्यों चल रहे हैं? तो मैं आपको बताऊँ, इनका जो ये इन्होंने पहन रखा था जो पैंट, कल ये नया लेकर के आए, वो पूरी तरीके से फट गया। हम लोग इतना हंसे, फिर फटाफट शोरूम गए, सबसे पहले जीन्स ली, उसके बाद फिर
आगे का कार्यक्रम हुआ। जाने कहाँ कहाँ घूम रही थी, इधर नहीं पा रही ना अभी, इधर 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 नहीं, इधर देख रही थी बहुत सारा। उधर ही खेल रही उसी एरिया में। इधर देखेगी नहीं वो, आई आई इधर आई, देख लिया। तो भैया मेरी नन्नू ने तो बहुत अच्छे से अपना डॉटर्स डे स्पेंड किया, और आप लोगों ने अपनी डॉटर्स को कैसे इस दिन पर कैसे इंजॉय करवाया, क्या किया, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। नन्नू तो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी, पलट करके देखा भी नहीं प्ले जोन में घुसने के बाद। फिर ना इनको टाइम था तो हम लोग चले गए थे थोड़ा होम सेंटर, वहाँ पर बैठे रहे, रिलैक्स किया, थोड़ा सा ऐसे मॉल वगैरह घूमा, थोड़ा सा कुछ खाया पिया और फिर चले गए घर वापस। तो यही था आज का व्लॉग, कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।